आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शक्कर पारा, बिल्कुल आसान तरीके से घर में बनाइए, एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शक्कर पारा बनाने के लिए यहाँ पे हमने मैदा लिया है, तो मैदा हमने इस कप से मेजरमेंट किया, तो हमने 2 कप इसमें मैदा लिया है। आपके पास अगर मेजरमेंट इस तरह का नहीं है तो क्या करिए, कोई कटोरी सेट कर लीजिए, उसी में से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है, ये है रिफाइंड। अगर आप चाहें तो देसी घी जो पिघला के बढ़िया से इसमें डाल मोवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड का प्रयोग किया है, इसका हमका बढ़िया मोवन करना है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी नमक, आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है, 1 पिंच है ये। हल्का से नमक रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, शक्कर पारा बिल्कुल बाजार जैसे बनेगा। इसका हम बढ़िया से मोवन कर लेते हैं। मोवन हमने बढ़िया से कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुट्ठी बंधने से ऐसे मुट्ठी बन रही है, तो सोच लीजिए कि मोवन बहुत परफेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम इसको बढ़िया से आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी, हल्का से कुनकुना पानी है, इससे बहुत बढ़िया आटा बढ़िया से लग जाएगा। रेसे रेसे में इसमें जो है ऑयल या घी कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया से अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका बढ़िया स्मूथ डो लगा के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा स्मूथ डो बढ़िया से रेडी हो चुका है। अब इसको कम से कम हम 10-15-20 मिनट के लिए, इसको 20 मिनट के लिए इसको हम सेट होने के लिए रख देते हैं, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। 15-20 मिनट हो गए हैं, बढ़िया से हमारा आटा सेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम आधा आधा ऐसे भागों में बांट लेते हैं और इसको एक साइड रख देते हैं। एक लोइया आटे की हमने बढ़िया से बना लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक बेलन की सहायता से इसको बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सूखा आटा का प्रयोग नहीं किया है, ना ही मैं यहाँ पे ऑयल का प्रयोग किया है। देखिए ऐसे कुछ बेला रहा है, ये अपने आप ऐसे बेला जाएगा, चिपकेगा नहीं बहुत आसानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतना कुछ बेल लिया है, एकदम परफेक्ट, इतना मोटा है। मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना मोटा आप पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको एक चाकू की सहायता से कट करेंगे, जितना आपको साइज पसंद हो उतना आप कट कर सकते हैं। हमने कुछ ऐसे कट कर लिया है, अब इसको हम ऐसे बीच से ऐसे कट करेंगे आराम से बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको एक थाली में निकाल लेते हैं एक एक करके। अब इसी प्रकार हम इसका भी बना लेते हैं। हमने इतने सारे बना लिया है, अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, गैस को ऑन कर दिया है, अब हम सीरा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चीनी लिया है, इसी कप से जिस कप से हमने लिया था मैदा, हम बराबर ही भाग में चीनी लेते हैं, क्योंकि शक्कर पारा बन रहा तो शक्कर पारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी से हम चीनी पूरा 2 कप डाल देते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/2 कप के बराबर पानी। अब इसको ऐसे चलाते हुए हमको 2 तार की चाशनी बनानी है। एकदम अगर आप ज़्यादा एकदम सफ़ेद भुरभुरा पसंद करते हैं तो 3 तार की बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 तार की चाशनी बनाऊंगी एकदम गाढ़ी। गैस पे हमने कढ़ाई पे ऑयल डाल के चढ़ा दिया है।
यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, तेल गरम हो चुका है। जब तक हमारा सीरा बन रहा, मैंने मीडियम फ्लेम पे एक तरफ सीरा रख दिया है तो पक रहा है, तब तक हम अपने शक्कर पारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके ऐसे डाल देंगे, जितना कढ़ाई में स्पेस हो उतना डालिए। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे डुलाते हिलाते बढ़िया लाइट कलर कर लेते हैं। गैस का फ्लेम जो है ज़्यादा तेज नहीं रखना है, हल्का मीडियम रखना है, नहीं तो अंदर तक नहीं सेकेंगे, क्योंकि थोड़े मोटे होते हैं तो अंदर तक ताकि सेक जाएं। शक्कर पारा हमारे लाइट कलर हो चुके हैं। अब इसी तरह हम इसको तेल गार के बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं शक्कर पारा कुछ ऐसे निकले हैं, बहुत परफेक्ट हैं। इसी तरह हम दूसरा बैच भी निकाल लेते हैं। सीरा हमारा लगभग लगभग हो रहा है। अगर एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी चीनी गंदी लग रही है कि गंदी है, तो क्या करिए, 2-3 चम्मच के बराबर इसमें दूध डाल दीजिए तो चीनी की गंदगी निकल जाती है। उसको छान लीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके उसको बाहर ऐसे करके निकाल दीजिए। तो यहाँ पर मेरी चीनी बढ़िया थी तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं डाला है। और इसमें फ्लेवर के लिए जो है डाल दीजिए, वो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर भी ऐड नहीं किया है, सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये लगभग 1-2 तार की चाशनी रेडी हो रही है, बहुत गर्म मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी हल्का हल्का बन रही है, अभी ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी है, क्योंकि हमको 2 तार की चाशनी चाहिए। अभी टूट जा रही है तो अभी थोड़ी देर तक इसको हम और पका लेते हैं। 2 तार की चाशनी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, मैंने चेक कर लिया है। बहुत गर्म है, हिम्मत नहीं पड़ती है चेक करने की, लेकिन ये 2 तार की एकदम परफेक्ट चाशनी बन चुकी है, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। बहुत गर्म है, इसको छूने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, देख सकते हैं अब नहीं टूट रही है, बहुत परफेक्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें जो बनाए हैं शक्कर पारा, तो इसको ऐसे करके इसी में डाल देते हैं और इसको जल्दी जल्दी ही चलाना है ताकि सीरा बढ़िया से अब्जॉर्ब कर ले। तो फिर मन मार के हमने बढ़िया से मिला लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट मिल चुका है। अब गैस को हमने बंद कर दिया, अब इसको बाहर उतार के रख देते हैं। मैंने एक थाली में इसको बाहर निकाल के रख लिया है शक्कर पारा को। धीरे धीरे गर्मी गर्म में इसको हमको एक एक चम्मच से ऐसे करके अलग कर देना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। इसी तरह इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते जाना है जब तक ठंडा ना हो जाए। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो उसमें क्या करिए, बढ़िया से फैला दीजिए। तो मैंने एक थाली में इसको बढ़िया से ऐसे कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको धीरे धीरे मैं ऐसे चला दे रही हूँ तो ये अलग अलग बिल्कुल हो जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये लगभग लगभग ठंडा हो ही रहा है, देख सकते हैं चीनी ऊपर से बढ़िया दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम ये तैयार होने ही वाला है। तो लीजिए हमारे शक्कर पारा बढ़िया रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट बने हैं। अगर आपको लगे तो हमने जो है थोड़ा से इसमें कलर का चेंज है, तो कलर हमने थोड़ा ज़्यादा पका लिया है, तो क्या करिए आप अपना हल्का लाइट कलर कर लीजिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं शक्कर पारा तो क्या करिए, सबसे पहले आप नमक आप जो है इसको आगे निकाल के रख लीजिए, फिर उसके बाद में सीरा बनाइए, नहीं तो आपको अंदाज नहीं मिलेगा। दोनों तरफ अगर आप रख देंगे सीरा शक्कर पारा साथ में बनाएंगे तो क्या होगा, सीरा तो जल्दी बन जाएगा, शक्कर पारा देर में बनेगा। तो यहाँ पे हमने साथ में किया था तो यहाँ पे हमने कई बार बनाया है तो मुझे अंदाज रहता है। तो लीजिए बहुत परफेक्ट शक्कर पारा हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह बनाइए, देखिए इसमें बिल्कुल चीनी बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट बने, मैं आपको ज़रूर तोड़ के दिखाऊंगी। इसकी लेयर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत परफेक्ट बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हमारी ये
शक्करपारा की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।